कांग्रेस में कुलदीप के दिन पूरे, बीजेपी में शामिल होंगे बिश्नोई, नए सफर को तैयार कुलदीप। आदमपुर से कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई अभी कांग्रेस छोड़ने में थोड़ा और वक्त ले सकते हैं। हालांकि ये उन्होंने लगभग स्पष्ट कर दिया है कि वे अब कांग्रेस में रहते हुए अपनी आगे की राजनीति नहीं करेंगे। रविवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद उन्होंने अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के फोटो हटा दिए थे। अब सोमवार को कुलदीप ने अपने हिसार के सेक्टर 15 स्थित आवास से भी कांग्रेस का झंडा उतार दिया। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब कुलदीप ने कांग्रेस नेताओं के फोटो हटाए हैं और झंडे उतारे हैं। इससे पहले भी दिसंबर 2007 में हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठन करने के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा ही किया था। बाद में जब हजका का विलय कांग्रेस में किया तो वे फिर से पुराने कांग्रेसी हो गए। बहरहाल अब लग रहा है कि कुलदीप अब एक बार फिर कांग्रेस को अलविदा कहने का मन बना चुके हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात के बाद ये काफी हद तक साफ हो गया है कि वे बीजेपी ही ज्वाइन करने वाले हैं। पीएम मनोहर लाल के साथ भी उनकी कई बैठकें हो चुकी हैं। खबरें तो ये भी है कि कुलदीप बिश्नोई आदमपुर हलके से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन करने की पेशकश बीजेपी को कर चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी थोड़ा रुकने के लिए बोला गया है। माना जा रहा है कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए होने वाली वोटिंग में बीजेपी उनका वोट लेगी। उन्हें पहले बीजेपी में शामिल कराकर पार्टी अपना एक वोट खराब नहीं करना चाहती, इसलिए कुलदीप को इस चुनाव के बाद ही कांग्रेस को विधिवत रूप से अलविदा कहने को कहा गया है। संभव है कि इसके बाद वे इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम ले। बीजेपी को मिलेगा बिश्नोई का फायदा। कुलदीप बिश्नोई के बीजेपी में शामिल होने का आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बीजेपी को हरियाणा के साथ साथ राजस्थान में भी काफी फायदा मिल सकता है, क्योंकि बिश्नोई का अपने गृह राज्य हरियाणा की कई सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव तो है ही। वही पड़ोसी राज्य राजस्थान में भी बिश्नोई बाहुल्य क्षेत्र वाली करीब 3 दर्जन विधानसभा और 7 लोकसभा सीटें हैं, जहां उनका अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। सियासी जानकारों का मानना है कि यदि बिश्नोई अपनी अगली सियासी पारी बीजेपी में शुरू करते हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी को इन दोनों राज्यों में काफी सीटों पर फायदा मिल सकता है। कांग्रेस में नहीं बचेगा कोई गैर जाट नेता। हिसार और भिवानी से सांसद रहे कुलदीप बिश्नोई अभी तक कांग्रेस का बड़ा गैर जाट चेहरा थे, लेकिन उनके बीजेपी में शामिल होते ही कांग्रेस यहाँ इस चेहरे से वंचित हो जाएगी। कांग्रेस के पास हरियाणा में अभी तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी के रूप में जाट चेहरे ही बचे हैं। कुमारी सैलजा हालांकि गैर जाट है, लेकिन उनकी पहचान दलित बाहुल्य क्षेत्रों में ही है। ऐसे में कांग्रेस कुलदीप के रूप में बड़ा गैर जाट चेहरा होने जा रही है तो बीजेपी पाने जा रही है। हरियाणा न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।